हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, पधारे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से। यही वाला चैनल हमारा चाय अभी पीनी है सुबह का, अभी से मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है क्योंकि मैं बाहर आई थी तो मौसम इतना प्यारा था। देखो मेरा यही बैकग्राउंड दिखेगा आपको, ठीक है? अब से थोड़ा चेंज हो जाएगा थोड़े दिन बाद, ये वाला बैकग्राउंड आपको चेंज दिखेगा थोड़े दिन में। देखो मैं दिखाती हूँ क्यों, ये था पहले थोड़े दिन पहले, तो यहाँ पर भरा भराव करके ये दीवार कर दिए, शायद यहाँ पर कुछ बन जाएगा तो ये बैकग्राउंड तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे वाला रहेगा। और पता है आपको मेरी आँखें क्यों सूज रही है, मेरे बाल कैसे? पता है आपको आँखें क्यों सूज रही है? नाइट में जब सो जाते हैं हम तो हमें 2 से 3 बार उठना पड़ा, क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े बड़े चूहे हमारे घर में हैं तो वो इतनी मस्ती करते हैं, कभी सामान कहाँ गिराते हैं, कभी सामान कहाँ गिराते हैं, तो हम डर के मारे उठ जाते हैं, देखते हैं क्या नुकसान तो नहीं किया, क्या नुकसान तो नहीं किया। एक प्रूफ क्या, हम 2 प्रूफ दिखाते हैं आपको। आज क्या हुआ, हमने भगवान जी का ये मतलब कांच नहीं लगाया, ये और ये दोनों, ठीक है? तो ये देखो तेल का जो डिब्बा था वो ढोला तो इतनी ज़ोर से आवाज आई थी धम, तो पूरा घर का हाल ऐसा हो गया है, तेल ही तेल कर दिया सब जगह। देखो ये देखो देखो, तो ये जैसे हम नींद आई 12:30 बजे तो चूहों ने ये गिरा दिया, तो हम फिर वापस उठ के देखे कि क्या गिराया, नुकसान क्या किया, तेल गिरा पराट था ये सारा, तो मैंने इसको छोड़ा कि चलो छोड़ो इसको, उसको सुबह हिसाब करेंगे। फिर जैसे ही मैं सोई और 2:15 बजे फिर ज़ोर से आवाज़ आई दम, मैंने बोला बाप रे बाप ये क्या हो गया, चोर तो नहीं घुस गए? तो फिर नीचे जाके देखा मैंने कि चूहों ने क्या गिराया, मतलब फिर मेरे को लगा कि चूहों ने कुछ गिराया होगा, तो जो टोस्ट का डिब्बा है इतना बड़ा डिब्बा, कल वाले किचन वाले वीडियो में देखा होगा आपने, देखना मैं यहाँ फोटो लगाऊंगी, उस डिब्बे के ऊपर चढ़े होंगे टोस्ट खाने के लिए, हालांकि उसका ढक्कन लगा रहता है, फिर भी पता नहीं उसको कैसे गिरा दिया, इतना ऊपर से गिरा वो कि तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, फिर वो ज़ोर से अचानक से गिरा तो डर के मारे फिर मैं भागी नीचे कि क्या हुआ, तो फिर मैंने देखा टोस्ट का डब्बा नीचे गिरा था, तो फिर मैंने टोस्ट समेटे फिर रखे फिर डब्बा नीचे रख के आई मैं, तो 2 से 3 बार मेरी नींद रात में टूट गई, तो इस वजह से मेरी आँखें इतनी जलन हो रही है, मतलब नींद तो निकाली है लेकिन फिर भी बीच बीच में टूट गई, इस वजह से आँखें बहुत ऐसी हो रही है आज, पता नहीं वो आई फ्लू आ गया दिखे। खैर छोड़िए, हम कर लेते हैं यहाँ का सारा निपटारा, फिर आपको मिलाते हैं बच्चों से सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग करवाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा देते, पोछा वोछा नगा लगा देते। टाइम हो रहा है अभी 8:35, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर हो गया है हमारा पोछा, पोछा लगाने के बाद भी मेला ही मतलब गंदा ही दिखता है, ब्लैक कलर की टाइल्स है, यानी चेहरे के है नहीं, यहाँ फेवी के लगाए है नहीं, तो मैंने पूछी नहीं क्यों रे ये किसने लगाए थे, करो मनीष नहीं निकले है गाल पर चेहरी देख बता दो, अरे नाम लियो, और कल परसों था कुरकुरा दिलाया था, ये अभी कुरकुरा दिलाया था, मैंने पूछो मैं कुरकुरा कैसे दिलाए, राहुल कही ये बोल रहे हो जंदन आ वंदन हां परसों के दिन, ए चेरी रुक चेरी, ए चेरी कुरकुरा किसने दिलाए थे तेरे को, किसने दिलाए थे अबे नहीं बोलेगा, और ये फेविकोल किसने चिपकाया, ये फेविकिल किसने चिपकाया, ये वाला इधर आओ बताओ तुम्हें को, ये किसने चिपकाया फेविकिल, किसने चिपका, नाम बताओ मनीष, नाम बताओ मनीष ने चिपकाया, मनीष ने चिपकाया, ये देखो ग्राहक भी आ गए हैं सुबह सुबह, किटू तुम वहाँ क्या कर रहे हैं, अरे पति देव जी लग गए सुबह सुबह ही काम काज में, हम लेके बैठे मोबाइल हम पर चिड़े, इनका इन्होंने दुकान पूरा क्लीन करके बैठ गए हैं, हम हमारा झाड़ू निकाल देते हैं, हम हालांकि ऊपर का सारा काम करके आ गए हैं, पूरा झाड़ू पोछा वगैरह सब ऊपर का सब कर दिया हमने, बस अभी नीचे का है तो ये भी 5-10 मिनट में करके फिर हमने बाबू से तो गुड मॉर्निंग ही नहीं कराया, तो मैं गुड मॉर्निंग कराया बाहर वापस से बच्चों को राधे राधे कराने के लिए, लेकिन बच्चे क्या है
कि दोनों ही मगन है क्योंकि पति देव जी सुबह सुबह चला लेते हैं भजन, तो मतलब बच्चे सुनते सुनते नाचते हैं, तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं उनको बोल रही हूँ से हाय गुड मॉर्निंग करो, राधे राधे करो, लेकिन नहीं, वो उनके भजन के मतलब ताल से ताल मिला रहे हैं और नाचने में ही बिजी है। तो मैं यहीं इनको चप्पल वप्पल पहना के छोड़ देती हूँ बाहर, मैं कर लेती हूँ अपना घर का सारा काम जो कि पड़ा है। पतिदेव जी लग गए हैं घर के कामों में, मतलब दुकान के काम में, मैं सॉरी। और जो चूहे हैं ना, ये इनके लिए मैं पिंजरा लेके आई थी थोड़े दिन पहले, तो ये जब शुरू रखा था ना हमने, तब तो इसमें चूहे 2-3 आ गए थे, फिर उसके बाद अब चूहे आना इसमें बंद हो गए हैं। हालांकि मैं इसमें बिस्किट, टोस्ट, मतलब रोटी सब कुछ रखती हूँ, और ये देखिए नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं चूहे, पता नहीं कब हमारी ये जान छुड़ेंगे। 1 hour later और राजेश हाय करो। हैं मन भूले ही नहीं यहाँ पे, नहीं मालूम थे सच में मने क्या अनिल। हमारे जेठ के लड़के जो भी आए थे चाय बना के पिलाई मैंने उनको, है गेहूँ जो लेके आए हैं गांव से, जो मम्मी जी ने पहुँचवाए हैं। नए सब्सक्राइबर है या फिर नए व्यूवर्स है उनको नहीं पता होगा कि ये कौन है, तो ये मेरे जेठ के लड़के हैं जो कि गैरेज का काम करते हैं हमसे और आगे अप डाउन करते हैं। अभी न्यू खोला है, तो इनके साथ भिजवाए थे मम्मी जी ने गेहूँ। सुबह सुबह 3 बार चाय बन चुकी है, लेकिन तीनों बार में से एक बार में भी पतिदेव जी ने नहीं पी। क्यों? क्योंकि मैं उनको मेरे साथ में, चलो मैं इसे काम करते करते जाती हूँ और बता देती हूँ, बाकी ऐसा तो बहुत लंबा। चूहों ने हमारी लड़ाई कराई है। हाँ जी, पतिदेव जी की चाय चूहों ने ही छुड़वाई है, क्योंकि चूहों की वजह से ऊपर का पूरा घर गंदा हो गया था। तो मैंने झाड़ू लगा के हाथों हाथ पोछा लगाया है, तो मुझे वहाँ लेट हो गया, तो मैंने इनको चाय बना के फिर दी। तब तक काफ़ी लेट हो गया था, तो उन्होंने बोला इतनी देर बाद चाय, अब कौन पीता है, मैं नहीं पी रहा हूँ, जा तू तेरे काम कर। तो मैं मेरा काम नहीं कर रही थी, हालांकि मैं चूहों की जो चेतावनी थी उसको सही कर रही थी। रोज़ तो मैं क्या करती हूँ, बिस्तर मतलब समेट के झाड़ू निकाल के पतिदेव जी को चाय बना के दे देती हूँ। खैर आज वो नाराज हो गए, और ये चकुंदर जो देख रहे हो आप, इनका मैं आज जूस बनाने वाली हूँ। 4 दिन से ये 4 चकुंदर पड़े हैं, आज मुझे लग रहा है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, तो मैं इनको बना रही हूँ जूस। फर्स्ट बार लाइफ में चुकंदर का जूस पीऊँगी मैं, देखना आप रिएक्शन मेरा, आपके सामने ही पियेंगे। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू डाला है, और छील के 2 चुकंदर का जूस बना दिया है, ठीक है। बहुत ही घटिया दिखने वाला चुकंदर का जूस, देखो इतना सारा जूस निकल गया है, देखते ही पता नहीं क्या हो रहा है। मैं सोच रही हूँ उसको पीऊँ के देखूँ क्या करूँ, बिल्कुल भी ले जी, तू बोला था ना कि मेरे को ये पीना है, दवाई पीना है, ले पी 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 पी। अब हम इसको कैसे पिए, ऐसा करते हैं आपके सामने ही इसको आंखें बंद करके गटगट करके पी जाते हैं, देखते हैं पी पाते हैं, ऐसा करते हैं नीचे बैठते हैं, बाकी पता नहीं अगर उल्टी हो जाएगी तो बेड गंदा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ चुन्नी पर भी लग गया और कपड़ों पर भी लग गया, यहाँ बैठ कर पियेंगे ताकि उल्टी भी होगी तो नीचे होगी तो दूर हट जाना, मेरे को उल्टी होगी। चोरा पहले दूर हट गया। 1, 2, 3 इतना बुरा भी नहीं लगता है, ठीक लगा। हम पीने से पहले तो इतना घबरा रहे थे कि पता नहीं कैसा लगेगा कैसा लगेगा। 4 दिन हो गए चुकंदर आए हुए, वो 4 चुकंदर ऐसे कैसे पड़े, ऐसे कैसे पड़े, ऐसे कैसे पड़े। दो कल परसों तो मुझे इतना चिल्ला रहे थे पतिदेव जी के पड़े हैं, मंगवा लिए, खाती नहीं है, ये वो न करके, फिर भी मैंने इग्नोर किया। ए भूल जाएगा, कल मैंने इनको पैक करके फ्रिज में रख दिया। आज थोड़ी ज़्यादा वीकनेस लग रही है, मीन्स यार अगर ऐसे खाने पीने से नखरे करेंगी तो क्या होगा अपना, तो इसी वजह से आज मैंने मतलब बहुत दिल पर पत्थर रख के कप कपाते हुए जूस बनाया और आपके सामने पिया।
पर है ना जब हम बनाते हैं तब हम इसको देखते हैं ना तो इसलिए अच्छा नहीं लगता, बाकी पीने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें थोड़ा सा और मैंने ना नमक और नींबू थोड़ा और मिला दिया था ताकि मुझे टेस्टी लगे, बहुत अच्छा लगा सच में। बाकी मैंने सोचा नहीं था कि मैं पी पाऊँगी, आप थे सामने तो इसलिए पी पाई, बाकी मैं नहीं पी पाती, अकेले नहीं पी पाते हैं। खैर आज का तो पी लिया, दो चुकंदर और पड़े, कल या परसों फिर पी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं कर देते हैं, खाना बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर हमें लाइव स्ट्रीम आना है। तो बस ये वीडियो यहीं कर देते हैं क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद इतना नहीं देख पाओगे। तो चलिए टाटा बाय बाय, वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।